हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गूगल के जितने ऐप्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उनमें क्या हिडन फीचर्स है जो शायद आपको भी पता नहीं हो। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीमेल से। तो जीमेल किस लिए होता है? जीमेल अगर आप किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हैं या फिर किसी से ईमेल रिसीव करना चाहते हैं तो आप जीमेल के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें आप मल्टीपल अकाउंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल अकाउंट्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, फिर उसके बाद एक ड्रॉप डाउन बटन आएगा, फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आने के बाद आपको एक ऐड अकाउंट ऑप्शन आएगा। जब आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आ रहा है सेटअप ईमेल। तो आप इसमें डिफरेंट टाइप के गूगल अकाउंट्स, याहू अकाउंट्स या कोई एक्सचेंज अकाउंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ईमेल एड्रेस आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो न्यू अकाउंट भी आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें ईमेल रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी को ईमेल कंपोज करना है या सेंड करना है या लिखना है तो ये पेंसिल के साइन पे जाइए, फिर उसके बाद आप इसमें ईमेल कुछ भी लिख सकते हैं और ट्राई टू सेंड इट फ्रॉम दिस बटन। तो ये एड्रेस इनवैलिड बता रहा है क्योंकि मैंने गलत एड्रेस डाला है। तो आप ऐसे ही ईमेल कंपोज करके सेंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा जीमेल के बारे में। तो ये तो सबसे इजी ऐप था। तो आइए दूसरा ऐप देखते हैं, वो है ड्राइव। तो ड्राइव क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल में बहुत सारे वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारा स्पेस आपका मोबाइल में जा रहा है इन फ़ोटोज़ और वीडियोस की वजह से, तो आप इन सब को अपलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपनी ड्राइव पे। और आपको वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका ड्राइव है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसमें आपको पता चलता है कि आपके कितनी स्टोरेज बची हुई है, कितना अपलोड हो चुका है। जैसे इसमें दिखा रहा है कि 13 GB ऑफ दिस मच इज़ ऑलरेडी यूज्ड। तो सपोज़ आपको कोई भी इमेज या वीडियो आपकी मोबाइल से आपको इस पे सेव करना है तो आपको सबसे पहले उस वीडियो या मोबाइल की इमेज के पास जाना पड़ेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज है हमारे पास, अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं तो हम सेंड बटन पर दबाएँगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, वो है सेव टू ड्राइव। तो जैसे ही आप सेव टू ड्राइव करेंगे तो ये आपके आपसे पूछेगा कि कौन से अकाउंट में आपको सेव करवाना है और जस्ट इट कैन सेव इट। तो इसके थ्रू आप आपके इमेजेस जितने भी हैं वो सब आप अपने मोबाइल के ड्राइव पे आराम से सेव कर सकते हैं इससे, और उसके बाद अपने मोबाइल से वो इमेजेस और वीडियोस डिलीट कर सकते हैं। इसकी आपकी मेमोरी और स्पेस भी बचेगा मोबाइल का। तो ये रहा ड्राइव के बारे में इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ है कि इसमें आप अगर चाहें कि आपने जो वीडियो अपलोड किए हैं या फिर आपने जो शेयर किया है तो वो सब आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, सपोज़ ये एक वीडियो है मेरे पास, ये मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और को शेयर करूँ तो इसका मैं कॉपी लिंक करूँगी और किसी को भी कहीं पर भी व्हाट्सएप में, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप में मैं जाऊँगी, व्हाट्सएप में जाने के बाद मैं इसे शेयर कर दूंगी। तो इसके थ्रू हम शेयर कर सकते हैं कोई भी वीडियोस, कोई भी इमेजेस। तो ये रहा ड्राइव के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आइए दूसरा ऐप है हमारे पास, वो है प्ले म्यूज़िक। तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि गूगल के थ्रू भी हम म्यूज़िक्स प्ले कर सकते हैं। तो ये प्ले म्यूज़िक ऐप जो है वो प्ले डिफरेंट म्यूज़िक्स के लिए आप फ्री फॉर 14 डेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें पैसे लगाकर और भी ज़्यादा म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो इसके थ्रू आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका ऐप है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं जिसके थ्रू आप ये सुन सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं दूसरे ऐप के बारे में। तो ये भी हमें नहीं पता था कि गूगल में प्ले मूवीज़ भी है मिलती, और फिर उसके बाद इसमें मूवीज़ बहुत सारे रहते हैं, फिर आप इसमें पैसे भी डालकर बहुत सारी मूवीज़ भी देख सकते हैं गूगल ऐप के थ्रू। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक हैंगआउट्स करके ऐप है। तो हैंगआउट्स आप क्या करता है कि या आपके डिफरेंट फ्रेंड्स जो हैं, जो भी आपके ईमेल के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट्स एडेड होंगे उन सबको आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप मैसेज चाहें तो आप कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली एक्चुअली एक तरह से शॉर्टकट ऑफ मैसेंजर है, गूगल मैसेंजर। तो इसके थ्रू आप डिफरेंट मैसेजेस भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऐप है, वो है फ़ोटोज़। तो फ़ोटोज़ क्या करता है कि आपके मोबाइल में जितने भी डिवाइस के फोल्डर्स हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, कि जो भी आपने फ़ोटोज़, आपके फोल्डर, एल्बम्स जो भी आपने बनाए रखे हैं वो सब इसमें डिस्प्ले होगा। और फिर उसके बाद आप इसको आर्काइव कर सकते हैं, आप इसके बाद इसमें फ्री स्पेस भी कर सकते हैं, इसमें इसके थ्रू आप स्कैन फ़ोटोज़ भी कर सकते हैं। फिर ये फ़ोटोज़ भी आपका बहुत ईजीली काम आता है।
तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे एल्बम्स का, फिर ये आपको दिखाएगा कि अगर आपको कोई एल्बम क्रिएट करना है डिफरेंट फोटोज़ के थ्रू, आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एल्बम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कोई मूवी क्रिएट करना तो इनफैक्ट आप मूवी भी क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक वैलेंटाइन डे मूवी अगर क्रिएट करना चाहूँगी और कोई भी दो फोटोज सेलेक्ट करके आप एक मूवी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपके वीडियोस या बहुत सारे इमेजेस में आपको कुछ एनिमेशंस डालना है तो वो एनिमेशंस भी आप डाल सकते हैं। कोई कोई आपको पिक्चर्स के कोलाज बनाने हैं तो आप कोलाज भी डाल सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं जो शायद आपको पता भी ना हो। अगर आप चाहें तो किसी के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं ये सारे फ़ोटोज़ को। तो ये रहा फ़ोटोज़ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास ऐप है जो है गूगल डियो, जो बिल्कुल ही आपको एक्सपीरियंस देता है वीडियो कॉलिंग का। आप इसके थ्रू अपना वेरीफाई कर सकते हैं नंबर और किसी भी दूसरे मोबाइल नंबर्स पे आप इसको कॉल कर सकते हैं। ये वीडियो कॉल हो जाएगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड डिवाइस ऐप। ये डिवाइस ऐप शायद हम लोगों को पता भी नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। अगर आपका फ़ोन है, आपको फाइंड करना है, सपोज़ किसी और जगह पे है, आपको मिल नहीं रहा है, तो किसी और मोबाइल से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। आपके अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप अपना मोबाइल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, उसमें प्ले साउंड कर सकते हैं ताकि आपको वो आवाज़ सुनाई दे, और आपका मोबाइल अगर साइलेंट मोड पर है तो वो आपको मिल जाए। तो ये आपको रीनेम कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस, बहुत ही यूज़फुल ऐप है। इसके थ्रू आपका मोबाइल अगर गुम हो गया है, आपको मिल नहीं रहा है, आपके घर में यहाँ वहाँ कहीं रखा है, आपको मिल नहीं रहा है, तो इसके थ्रू आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास है मैप्स। तो मैप्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर है गूगल मैप का, जिसके थ्रू शायद बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता कि इसमें कितनी सारी अच्छी फीचर्स हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे एक लोकेशन शेयरिंग। तो सपोज़ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके मदर फादर, और आपको जानना रहेगा कि हर वक्त वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, कहाँ रह रहे हैं, तो आपको लोकेशन, आप इसके थ्रू लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे शेयरिंग लोकेशन दिखा रहा है, तो मैं जान सकती हूँ कि ये मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो किस पोजिशन पर अभी है, कहाँ पर है। तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं, किसी भी कॉन्टैक्ट को आप ऐड कर सकते हैं। आप इसको फॉर 1 आवर के लिए इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, या फिर अनटिल यू टर्न ऑफ, या फिर हमेशा के लिए। तो डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं आप पीपल, या कोई व्हाट्सएप लोकेशन, कोई व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको उसकी शेयर लोकेशन चाहिए तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही कन्वीनियंट ऐप है जब आपको आपके फैमिली मेम्बर्स की लोकेशन जाननी हो। तो ये रहा लोकेशन ऐप। अब फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आपने सर्च किया है, फिर आपको डायरेक्शंस मिल जाएगा, फिर डायरेक्शन मिलने के बाद आप इससे डायरेक्टली कैब्स भी बुक कर सकते हैं। तो ये कैब्स के थ्रू आप डिफरेंट कैब्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं, ऊबर, ओला, मेरू, ये कैब्स आप यहाँ से डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाएगा ऊबर, ओला, और जो भी अवेलेबल है आपकी सिटी में वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखता है। तो सपोज़ अगर आपको कुछ इसमें कोई बीच में रूट ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ लोकेशन जाने के लिए मुझे एक और रूट इसमें ऐड करना है कि मुझे मैकडोनल्ड्स होते हुए जाना है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि एक स्टॉप ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टॉप ऐड किया है, ये कैफ़े जाना है मुझे, तो ये आपको लोकेशन दिखाएगा इसके थ्रू सारे पॉइंट्स के, जितने भी आपने स्टॉप्स बनाए हैं वो सारे पॉइंट्स के ये आपको लोकेशन दिखाएगा। अगर आप चाहें तो कोई इसमें रिमूव कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो और स्टॉप्स ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। और अगर सपोज़ आपको चाहिए कि आपने कहीं जाना है और लेकिन आपको टोल्स नहीं चाहिए बीच में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक रूट ऑप्शंस है, तो रूट ऑप्शंस में जाकर आप एक अवॉइड टोल रोड्स करके एक ऑप्शन आता है, अगर आप उसे क्लिक कर देंगे तो आपको जो भी यहाँ पे डायरेक्शन दिखेगी उसके बीच एक भी टोल नहीं अवेलेबल होगा। तो ये सारे फीचर्स इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये रहा डिफरेंट जीमेल गूगल के ऐप्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।